एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों की तत्काल मदद की जाए। गोवा के हारवेलम इलाके से 23 लोगों को बचाया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए, पीड़ितों का हाल पूछा, सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर लोगों को तुरंत पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार बाढ़ से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की जो तस्वीरें आए बदहाली की, बेबसी की, वो लगातार हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं और किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है वो भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। रायगढ़ के महाड तहसील के तलिये गांव में लैंडस्लाइड से 35 लोगों की मौत हो गई। अब भी 40 लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। कुछ लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि कल शाम से ही इलाके में 32 घर धस गए हैं। चट्टान खिसकने की वजह से मलबे में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड में लैंडस्लाइड से 35 लोगों की जान चली गई है। तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, चट्टान खिसकते ही 35 लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं, रेस्क्यू का काम चल रहा है। बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, तो रेस्क्यू का जो राहत बचाव दल है लगातार मदद के लिए जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और ये बाढ़ वहां सैकड़ों गांव को प्रभावित कर चुकी है। महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई डराने वाली हैं, लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं या जाने वाले हैं तो किन इलाकों में जाने से आपको बचना होगा। हम आपको आपदा में घिरे इलाकों की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एनडीआरएफ की टीम का लगातार ऑपरेशन कोल्हापुर में चल रहा है। वहीं भीमाशंकर में गर्भगृह के भीतर ही पानी जबरदस्त तरीके से घुस गया। निजामाबाद तेलंगाना में 7 लोगों को बचाया गया है, तो रेस्क्यू भी लगातार चल रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी सतारा और रत्नागिरी में भी कहीं गाड़ियां तैर रही हैं तो कहीं लोग फंसे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।